हेलो साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट फ्लोर का जो है मार्किंग आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से बनाएगा, और इसमें जो है ग्राउंड फ्लोर थ्री बीएचके ग्राउंड फ्लोर में, मतलब एक सिट आउट आ रहा है, और दूसरा जो है यहाँ पर 1 BHK प्लस 1 BHK दो पोर्शन आ रहा है। सो वीडियो को देखिएगा, मैं आपको अभी प्लान दिखाता हूँ। प्लान दिखाने के बाद पूरा वॉक थ्रू भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इस घर का जो है नक्शा, यानी कि इसके अंदर आ रहा है दो पोर्शन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा पार्किंग नहीं, ये बालकनी है। उसके बाद एंटर हो गए हॉल के बाद बेडरूम, किचन, ये यूटिलिटी एरिया। फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं दूसरा वाला पोर्शन में। यहाँ पर देखिएगा, इधर से जो है एंटर हो गए आप। एंटर होने के बाद इधर जो है दूसरा पोर्शन, यहाँ पर हॉल, इधर एक बाथरूम आ रहा है, यहाँ पर एक बेडरूम, ये टॉयलेट बाथ यहाँ पर, ओके। और इधर जो आ जाता है किचन, ये यूटिलिटी एरिया आ रहा है। तो अभी मैं आपको इस ऑन साइट कैसा मार्किंग किया गया वो वॉक थ्रू दिखाता हूँ। लेट्स सी। जैसे कि ओवर्स आप लोग एंटर हो गए, वहाँ से उधर से एंटर हो गए। एंटर होने के बाद यहाँ था आपका बालकनी एरिया, इधर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह है, वहाँ पर एक बाथरूम आ जाएगा उस पोर्शन को। और इधर से जो बालकनी, मतलब पूरा पैसेज एरिया आ रहा है वहाँ तक, एंड तक। एंटर हो गए, यहाँ पर दरवाज़ा आ रहा है। एंटर हो गए इस वाले पोर्शन पे, ये आता है छोटा सा हॉल, ओके, जो बैठने के लिए जगह मिल जाता समझो। ये लाइन तक एंड है, फिर उसके बाद आप चलते हैं यहाँ से, ये चलते हैं आप लोग बेडरूम के अंदर, ओके। बेडरूम के अंदर जाने के बाद आप चाहे तो इसमें एक बाथरूम बना सकते हैं उस वाले कोने में, या फिर किधर ना किधर, क्यों बोले तो बेडरूम काफ़ी बड़ा है, सफिशेंट जगह मिल जाता अगर आप बाथरूम भी बना लिए समझो, तो आप इजीली वहाँ पे एक बेड के लिए हो या फिर एक बाथरूम के लिए जगह सफिशेंट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ आने के बाद, इधर आने के बाद इधर से एंटर करें आप अंदर, इधर जो है 3 फुट का एक ओपनिंग आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका किचन एरिया। किचन में आ गए आप लोग, ये देखिएगा वो लाइन देख रहे हैं ना, वो लाइन से लेके यहाँ तक किचन आ जाता आपका। फिर उसके बाद आप चाहे तो ये यूटिलिटी एरिया, बिकॉज हर तरफ पूरा फुल पैक है ना, तो ये वाला यूटिलिटी एरिया जो है यहाँ पर आप बना सकते हैं यूटिलिटी एरिया, या फिर चाहे तो यहाँ पर नहाने के लिए भी जगह मिल जाता आप लोगों को, ठीक है। ये हो गए एक पोर्शन। अब हम इधर से दोबारा वापस आ जाते हैं घर के अंदर, इस तरह से है। अब देखिए ये बालकनी एरिया आ गए वापस। बालकनी से आप लोग चल पड़े ये वाले साइड, ये पैसेज एरिया से आप जाना, सेकंड पोर्शन को जाना है तो भी पैसेज से चले गए। इधर आ गए मैं आपका, यहाँ पर आप चाहे तो और एक बाथरूम भी बना सकते हैं, डिपेंड रिक्वायरमेंट है तो बना लीजिएगा। 3 फुट 6 इंच का एक ओपनिंग आ रहा है यहाँ पर, मतलब ओपनिंग नहीं, हॉल का मेन डोर आने के बाद, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये आता है आपका हॉल एरिया। हॉल से आपके राइट की तरफ ये जो ओपन, यहाँ पर दरवाज़ा आ रहा है, ठीक है, इधर दरवाज़ा आ रहा है। ये वाला एक पोर्शन किचन के लिए बना लियो आप, उसका विंडो उधर को उधर हवा चले जाता। इधर एंटर करें, यहाँ पर आ जाता आपका एक बेडरूम विद बाथरूम के साथ। साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ बेडरूम विद बाथरूम इसीलिए बना जाए, बिकॉज जगह यहाँ पर सफिशेंट मिल जाता उसकी वजह से, ये वाले एरिया में तो सब काफ़ी अच्छा और सफिशेंट जगह मिल रहा है, ठीक है साथियों। और ये पूरा एंड तक लिया गया है फुल। एंड बेडरूम होने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इधर एंटर करें आप, इधर आपको बाथरूम के लिए जगह मिल रहा है। तो व्यूअर्स, इस तरह से जो है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का मार्किंग हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो प्लान था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।